वक्त लाइव तस्वीरें आ रही हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। आज का दिन वैक्सीनेशन के लिहाज से बेहद अहम है, ड्राई रन लगातार जारी है और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर निरीक्षण करते हुए, चलो इसे निकलते हो, यहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और जो रूपरेखा प्रशासन की तरफ से तैयारियों को लेकर की गई थी उसकी जमीनी हकीकत क्या सामने है, इन्हीं तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं और फिलहाल निरीक्षण कर रहे हैं। चलो आप लोग पीछे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए, ये देखिए यहाँ पर ड्राई रन प्रक्रिया के तहत जो तैयारियां की गई थी उसी को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित यूपी के 75 जिलों में ड्राई रन को लेकर जो तैयारियां की गई थी उसको लेकर मॉनिटरिंग भी की जा रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौजूद हैं और मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता विशाल रघुवंशी जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। विशाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल, क्या अपडेट? देखिए, कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर खुद पीएम योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर हैं और इसी वजह से आज वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो तमाम ड्राई रन की जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। पीएम योगी के साथ साथ सुरेश खन्ना जो संसदीय कार्य मंत्री है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री है वो भी इस वक्त जो है लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश भी ड्राई रन का जायजा लेने के लिए लोहिया हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं और चूंकि पीएम योगी आदित्यनाथ लगातार टीम 11 की बैठक में भी इस बात को कह चुके हैं कि ड्राई रन में जो तमाम जो खामियां हो रही हैं उनको जो है दूर किया जाए और जब वैक्सीन आ जाए तो वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया वो बहुत अच्छे से हो, इसमें कोई भी कमी ना हो और यही वजह है कि खुद पीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त राम मनोहर लोहिया में पहुंचे हुए हैं और वहां पर जायजा ले रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं उसके बारे में भी पता कर रहे हैं। जो डॉक्टर हैं उनसे बातचीत हो रही है, जो लोहिया हॉस्पिटल के जो हेड हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है, लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के जो हेड है वो भी उनके साथ मौजूद है और तमाम बेड को लेकर जानकारी हो रही है कितने बेड की सुविधा है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि सीएम ने अचानक से जो है ये अपना औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान तमाम जो गाइडेंस की पूरी प्रक्रिया है इसके बारे में जानने की पूरी जो कोशिश है वो की है और डॉक्टर से भी बात की है कि क्या कुछ कमियां रह पा रही हैं, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं और किस तरह की सुविधाएं आप लोगों को मुहैया कराई जा सके, इन सब तमाम चीजों को लेकर सीएम ने बात की है और फिलहाल गाइडेंस की जो तमाम जगह है वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा लेने के लिए खुद पहुंचे हुए थे और लखनऊ में किसी 12 जगहों पर ड्राई रन हो रहा है तो इसी कड़ी में राम मनोहर लोहिया जो आयुर्विज्ञान संस्थान है वहां पर पीएम योगी आदित्यनाथ ड्राई रन का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। विशाल, इससे पहले जब ड्राई रन हुआ था उस दौरान कुछ कमियां जगह जगह देखने को मिली थी, वो कमियां दोबारा रिपीट ना हो इसको लेकर कल समीक्षा बैठक भी हुई थी और सभी जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि आप तकरीबन 45 मिनट पहले पहुंच जाएं, मॉनिटरिंग लगातार करें और इसी कड़ी में इन तस्वीरों को भी देखा और समझा जा सकता है किस तरह से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा भी ले रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं और जो पहले खामियां रह गई थी कहीं वो दोबारा रिपीट तो नहीं हो रही हैं इसको लेकर भी उनकी नजर है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ड्राई रन का पूरा जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और क्योंकि कमियां काफी पाई गई थी पहले ड्राई रन में, ऐसे में इस बात को खुद स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने माना था कि कई जगहों पर कमियां पाई गई हैं तो इसी कड़ी में अब जो है फिलहाल खुद पीएम योगी आदित्यनाथ लोहिया पहुंचे हुए और वहां पर तमाम जो ड्राई रन की जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ ड्राई रन में क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जा रही है इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और फिलहाल खुद ये कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं और इसी वजह से आज वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो है पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, जब मेजर
तरीके से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा, उस वक्त सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां होंगी और इसीलिए ये ड्राई रन किया जा रहा है कि पहले जो भी कमियां रह गई थी, खामियां रह गई थी, वो दोबारा रिपीट ना हो, उन्हें दोबारा दोहराया ना जाए, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसीलिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में ड्राई रन लगातार जारी है। और इसी कड़ी में आप इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं किस तरह से अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मनोहर लोही अस्पताल पहुंचे, मौके पर ही अधिकारियों से वो जानकारी भी ले रहे हैं और इससे पहले प्रशासनिक स्तर पर जो भी तैयारियां की गई थी, क्या उसी तैयारियों के मद्देनजर उसी प्रक्रिया के तहत ड्राई रन जारी है या फिर उसमें कुछ खामियां तो नहीं रह गई हैं, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग करते हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अधिकारी भी उनके साथ लगातार मौजूद हैं और जानकारी लेने के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, अब इसके बाद बारी आएगी वैक्सीनेशन की और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया उस वक्त बहुत जटिल ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बेहद सजग भी हैं और दिशा निर्देश भी वक्त वक्त पर दे रहे हैं। कल से लेकर आज तक समीक्षा बैठक से लेकर आज ड्राई रन की इस प्रक्रिया के तहत क्या यह माना जाए कि जो भी खामियां अब तक रह गई हैं उन्हें हर हाल में आज दूर कर लिया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को पहले ही दिशा निर्देश दे दिए थे और उसका असर भी अब ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर खुद जब सीएम योगी आदित्यनाथ ड्राई रन का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि अधिकारियों में इसकी जो है सीधे तौर पर कह सकते कि असर देखने को मिलता है, क्योंकि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ का खुद अगर दौरा करते हैं, जायजा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो तैयारियां हैं, जो कमियां बताई गई थी पिछले ड्राई रन में, वो दूर होंगी। इसके साथ साथ क्योंकि खुद जमीन पर उतर कर बाकायदा तमाम जगहों पर जाकर स्थितियां क्या है इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं सीएम, तो जाहिर सी बात है कि इससे अधिकारियों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम टीम इलेवन की बैठक में भी सीएम योगी आदित्यनाथ इस बात के निर्देश देते रहे हैं कि किसी भी हाल में कोई कमी ना रह जाए, ड्राई रन की पूरी प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो सके, उसमें किसी भी हाल में कोई दिक्कत ना हो। और इसी वजह से स्टेप बाय जो ड्राई रन हो रहा है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ वह काफी गंभीर हैं। पिछली बार भी जब ड्राई रन हुआ था तो ड्राई रन में कुछ कमियां पाई थी, इसके बाद उन्होंने शाम को एक बैठक भी सीएम ने बुलाई थी और कमियों को लेकर चर्चा भी की थी, यहाँ तक कि टीम इलेवन की बैठक में भी रोजाना चर्चा होती है। तो ये फिलहाल कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार जो तमाम वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और इस बात को लेकर भी उन्होंने किसी पहले भी कोल्ड स्टोर चेन को लेकर पहले कह दिया था कि 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए तैयारियां, उसके बाद फिर से उन्होंने एक बैठक की, तैयारियां कंप्लीट हुई या नहीं इसके बारे में जानकारी ली और जब तैयारियां कंप्लीट हो गई तो इसके बाद ड्राई रन की जो तमाम तकनीकी है उसको लेकर भी उन्होंने एक अलग से बैठक की। और अब जब पिछली ड्राई रन में कुछ कमियां थी तो आज फिलहाल जब दूसरा ड्राई रन शुरू हुआ है तो खुद वो जाकर लोहिया हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं कि क्या कुछ कमियां रह गई हैं और उन कमियों को दूर करने का निर्देश भी देते हैं। ठीक है विशाल, आप बने रहे हमारे साथ, तस्वीरों को देखिए और समझिए यहाँ पर किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं, वैक्सीन सेंटर्स में वेटिंग रूम भी है, वैक्सीन लगाने के लिए अलग कमरा है और तीसरा जो कमरा है वो ऑब्जर्वेशन रूम है, यहाँ पर भी वैक्सीन लगने के बाद सभी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसको लेकर एक ड्राई रन किया जा रहा है कि जब असल में वैक्सीनेशन लगेगा उस वक्त किस तरह से तैयारियां पूरी की गई हैं, तो कुछ खामियां तो नहीं रह गई हैं, उन्हीं खामियों को दूर करने के लिए ये ड्राई रन का आयोजन किया गया है और इसी तरह से वैक्सीन सेंटर्स पर ड्राई रन पूरे उत्तर प्रदेश में जारी है। सुबह 10 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से और साथ ही साथ डॉक्टरों से पूरी जानकारी ले रहे हैं। विशाल, खबर आ रही है मकर संक्रांति के आसपास वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है, वक्त बहुत कम रह गया है, तैयारियां पूरी तो हो चुकी हैं लेकिन कमियों को भी दूर करना है।
तमाम चीजों को देखें तो बहुत ज्यादा इन्होंने डिटेलिंग में काम भी शुरू कर दिया है। और कल भी सीएम ने समीक्षा बैठक में इस बात को लेकर फरोख निर्देश दिए थे कि कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन बहुत गंभीरता से है, और इसी वजह से उन्होंने आज ये कहा था कि तमाम प्रदेश में जो है जितने प्रदेश में 750 शहरी है, 750 ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर टीकाकरण आज जो है इस पर ड्राई रन किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण ये भी था कि क्योंकि तौर पर ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में किसी 714 नए मरीज मिले थे और रिकवरी रेट 96.46 हुआ था। इस बात को लेकर सीएम ने बड़ी थोड़ा सा जो है आशा जताई थी कि वैक्सीनेशन को लेकर भी इसी तरह से कार्य होंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि टीकाकरण को लेकर जो सीएम की गाइडलाइन है उसको लेकर बिल्कुल बहुत ज्यादा समझदार है और कार्यों को नियमित समीक्षा की जाए। जो भी जिला स्तर पर टीकाकरण हो रहा है उसकी समीक्षा रोजाना करनी है। कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित स्टोरेज, प्रभावित व्यवस्था, ये सब तमाम जो व्यवस्था है इनको लेकर प्रतिदिन 1.5 लाख जो से ऊपर जहाँ जहाँ पर इलाके हों वहाँ पर प्रतिदिन समीक्षा भी की जाए। ठीक है विशाल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।